वेलकम बैक टू माई चैनल ओनली व्लॉग्स। सो ये व्लॉग मैं इमोशनल होकर बना रही हूँ क्योंकि आप लोग मेरी यूट्यूब फैमिली हो और आपको मैं बैड न्यूज़ देना चाहती हूँ कि जो टफी थी मेरी, जो कि 5 इयर्स से मेरे साथ थी, उसने मतलब वो बीमार पड़ी थी, मतलब बहुत बार ऐसे बीमार गिरी है वो, लेकिन वो ऐसे छोड़ के कभी नहीं गई है। तो ये मैं व्लॉग मतलब कुछ एक वीक के बाद बना रही हूँ। उसकी डेथ हुई है 17 अगस्त को और आज है 25 अगस्त, मतलब आफ्टर अ 1 वीक ही बना रही हूँ क्योंकि इतना मतलब एक वीक लगा मेरे को कवर अप होने के लिए और बोलने के लिए। और मैंने थोड़े व्लॉग्स भी डिले रखे मेरे भाई के बर्थडे के एंड ऑल। तो ये व्लॉग मैं एक आपको मैसेज देने के लिए कर रही हूँ कि मतलब डॉग्स जाने के बाद अपनी लाइफ में सब मतलब एक खुशी चली जाती है। और मतलब जो भी मेरे सब्सक्राइबर्स में डॉग लवर्स है उनको ये फील होगा कि अभी मैं जो फील कर रही हूँ, मतलब मेरे डॉग मतलब टफी को मैंने इतना प्यार किया, वो मतलब मेरी बेटी जैसे मैंने उसको रखा। और जब से वो बीमार गिरी तब से मेरे को ना अंदर एक ऐसे मतलब डर था कि इसको कुछ हो ना जाए, और हो ही गया। और उसने लास्ट मेरे को कब देखा, जब मैं क्लास को जा रही थी तब, और जब मतलब क्लास में गई मैं और मेरे मम्मी ने मेरे मिस को फ़ोन किया, मतलब परफेक्ट 5 बजे मेरे मम्मी ने मिस को फ़ोन किया था कि उसको घर पे भेजो। और मेरे मम्मी ने कहा मिस को कि उसको ऐसे मत बताओ, वो आके फिर देख लेगी, क्योंकि मेरे लिए टफी मतलब सब कुछ है, सब कुछ, क्योंकि शी वॉज नॉट जस्ट अ डॉग। मेरे लिए तो वो सिर्फ डॉग नहीं थी, मेरे लिए वो सब कुछ थी। जब भी मैं ऐसे सैड होती थी मैं उसको लेके बैठती थी, फिर उसको इस सब मत उसके साथ बात करती थी कि हाँ ऐसा उसा हुआ है अभी, तो उसको फाइट करती थी मैं। मेरे से फादर कभी बीच में हुआ था, वही थी मेरी एक मतलब, वो कुछ बोलती नहीं थी का बाबा तो ऐसे कर वैसे कर, वो कुछ नहीं बोलती थी। ऐसा होता है ना कभी कभी कि हाँ कोई तो अपने को चुपचाप सुने, तो डॉग ही ऐसी चीज़ है इस वर्ल्ड में, इस अर्थ पे, कि वो चुपचाप अपने को सुनेगा, अपने इमोशंस फील करेगा, अपने अंदर जो इमोशंस है उसको फील करेगा। एंड वो टफी मतलब इतना मेरे को, मैं बोलती हूँ उसने मेरे को कभी इतना प्यार मतलब इतना मेरे को सामने से प्यार नहीं किया, लेकिन फिर भी उसको वो हर एक चीज़ मेरे नोटिस करती थी कि हाँ बाबा इसको ऐसा ऐसा टेंशन है। जब मेरे को ना ऐसा कुछ स्ट्रेस होता था तो वो आती थी मेरे पास, ऐसा नहीं कि वो कभी आई नहीं मेरे पास, वो आती थी मेरे पास, वो मेरे को ऐसे आके बैठती थी मेरे, मैं कभी भी रोती थी तो मेरे पास आती थी, क्योंकि उसको पता है कि हाँ इसको कुछ तो भी स्ट्रेस हुआ इसलिए रो रही है, ऐसे ही नहीं रो रही है। एंड उसने ऐसे बीच में अचानक वो चली गई, और मतलब मैं मानने को ही नहीं तैयार थी। मैं आई उस दिन 17 को आई मैं 5:30 को घर पे मेरे को लगा कि कुछ मम्मी को काम होगा इसलिए, तो मम्मा भी मेरी भारी बैठी थी और मेरे को उधर से बोल रही कि टफी अभी नहीं रही। मैं बोले ऐसा हो ही नहीं सकता, वो कैसे जा सकती है। फिर मैं घर पे आई और हमारा जो हॉल है उधर ही वो जा चुकी थी, और उसके आँख मुंह सब खुला था, और मैं तभी इतना रोई सच में, मतलब इतना मैं कभी नहीं रही हूँ। मतलब मेरे लाइफ में ऐसे बहुत सारे स्ट्रेस आके गए हैं, मैं इतना मतलब इतने इश्यूज हुए, लेकिन कभी भी मैं इतना नहीं रही हूँ, क्योंकि मेरे लाइफ में टफी ही मेरे लिए मेन थी। और भले ही वो आज चली गई है हमारे पास, हमारे साथ अभी नहीं है, लेकिन मैं अभी भी ऐसा ही मानती हूँ कि हाँ टफी इधर ही है, वो किधर भी नहीं गई है, सिर्फ उसकी बॉडी जो है हम लोग ने समुंदर के इधर स्मशान के इधर अच्छे से उसको सैंड में डाला है, बस उसका सोल मेरे पास ही है, वो मेरे को कभी छोड़ के नहीं जाएगी। और इवन मैं इतना रो रही हूँ, मेरे फैमिली मेंबर्स, मेरा भाई, मेरी मम्मा, इवन मेरे अत्या जो है, मेरी आंटीज जो है, मेरी ग्रैनी, ये लोग भी बहुत मतलब बहुत सैड हो गए न्यूज़ सुन के, क्योंकि टफी मतलब ऐसे ही नहीं आई है घर में। टफी को मैं जब छोटी थी, आई थिंक वो तब 15 to 20 days की थी, इतनी सी थी, उसने आँख भी नहीं खोले था, तब से मैं उसको यहाँ घर में लेके आई हूँ। और मतलब
अच्छा डॉग, मतलब सच अ केयरिंग डॉग एंड सच अ लविंग। मतलब हम लोग कभी भी किधर भी जाते थे, उसका कोई नाटक नहीं रहता था कि नहीं बाबा ये लोग किधर ने, वो चुपचाप रहती थी, चुप बैठती थी। फिर उसका कभी भी खाने में नाटक नहीं था कि मेरे को यही चाहिए वो चाहिए, जो हम लोग खाते थे वही भी वो खाती थी। और फिर लास्ट जब लॉकडाउन गिरा तब वो ही थी मेरी फ्रेंड, जो कि मैं जिसके साथ एकदम खेलती थी, जिसके साथ मैं घूमती थी, जिसको मैं सब शेयर करती थी। इवन मेरे जो लाइफ में इतना बड़ा इश्यू क्रिएट, मतलब इतना बड़ा क्या बोलते हैं, एक फैमिली मेम्बर जाते तब कैसा लगता है, वो सब टफी ने मेरे साथ झेला है। जब भी मैं सैड होती थी टफी आती थी और मेरे बाजू में बैठती थी। और आज मैं फील कर रही हूँ कि अपने लाइफ से अगर एक पेट चला जाए तो कैसा फील होता है। मेरे को लगता था कि नहीं मैं हैंडल कर लूँगी, लेकिन नो आई कांट हैंडल, क्योंकि कोई कोई जन को लगता है कि वो अभी चली गई तो उसको याद करके क्यों रो रही है। अब मैं एक बात बोलूँ, अ पेट इज़ नेवर फॉरगॉटन, क्योंकि पेट्स के साथ जो अपने एक बॉन्ड होती है ना, वो किसी भी पर्सन के साथ अपनी बॉन्ड नहीं होती है। कितना भी अच्छा पर्सन हो वो, अपनी और वो पर्सन की इतनी अच्छी बॉन्ड नहीं होती है जितनी पेट एंड एक ह्यूमन की होती है। क्योंकि एक पेट ही होता है जो ह्यूमन को अच्छे से समझता है, ह्यूमन बीन को अच्छे से समझता है, और अच्छे से उसको मतलब भले ही वो बोलते नहीं है लेकिन वो समझते हैं कि इनके मन में क्या चल रहा है। एंड यही मैं आपको बोलने के लिए छोटू सा व्लॉग बना रही हूँ, ये सिर्फ 5 to 10 मिनट्स का है। और एक लास्ट में मैं क्लिप डालने वाली हूँ जिसके अंदर टफी की पूरी मेमोरीज है। एंड या मैं एक ही चीज़ बोलना चाहूँगी, दैट टफी आई एम गोना मिस यू, तू जहाँ पर भी है अच्छे से रहे। एंड मैं हमेशा प्रेयर करती हूँ कि जितने भी पेट्स ऐसे डेथ लेते उनको प्लीज़ प्लीज़ गॉड अच्छे से रखना। एंड मैं खुद और आप लोग भी नीचे, और आप लोग भी नीचे मतलब आप लोग भी कमेंट्स में ऐसे प्रेयर्स करो सब, मतलब मैं बोल रही हूँ कि सिर्फ टफी के लिए ही, सब पेट्स के लिए प्रेयर करो, ऑल पेट्स आर इक्वल टू मी। लेकिन जो मेरी टफी थी सच में वो मेरी बेटी, इतनी मतलब मैंने जितना किसी पेट को प्यार नहीं किया हुआ उसको उतना किया है। इवन मेरी मम्मी, मतलब मेरे मम्मा किसी भी पेट को इतना प्यार नहीं करती। अब मेरी मम्मा को मैंने फर्स्ट टाइम तब रोते हुए देखा क्योंकि टफी चली गई थी, एंड ऐसा लग रहा था फिर कि सब कुछ ही चला गया है घर में से। अभी भी हम लोग उठते हैं सोते ही रहते हैं, मतलब कुछ काम नहीं रहता है मेरे को ज़्यादा। क्यों? क्योंकि जब टफी थी तब मैं इधर से उधर, उधर से इधर, उसको खाना डाल ये कर वो कर, अभी कुछ भी नहीं हो रहा है। सो या विद दिस आई विल एंड दिस व्लॉग। और प्लीज़ अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड डॉग्स लवर प्लीज़ लाइक करना और इस वीडियो को सपोर्ट करना। और अभी मैं क्लिप ऐड करती हूँ जिसके अंदर टफी की थोड़े मेमोरीज है। कभी तो मिलेगा रास्ता तेरा मेरा, रात की है चादर में छुप गया है सवेरा। सुन वे फकीरा, नींद से उठा दे मुझे फिर से तू जोगिया वे पीरा। हंसना सिखा दे मुझे फिर से तू, हर खुशी में है आंसुओं में भी दूर कब तू।